إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا صبيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بالواجب الاحترام قابل صد احترام بأيو دوستو سامعين وسامعات تمام تعريفين الله رب العزة كليه जो कायनात का खालिक व मालिक है, जो चाहे तो कुमारी को भी बेटा दे दे और ना चाहे तो सारी जिंदगी दुआएं मांगने वाले पैगंबर हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को औलाद की दौलत से महरूम कर दे। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हों इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया खतीबुल अंबिया हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिन्होंने हमें तौहीद का दरस दिया और एक अल्लाह से मांगने की तलकीन की। मेरे भाइयों, पिछली नशिस्त में हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात को बयान किया गया और जनाब मरियम अलैहिस्सलाम से मुतालिक चंद बातें अर्ज की गई थीं और उनके ख़ानदान से मुतालिक चंद बातें गोशो गुजार की गई थीं। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तहारत, आपकी पाकिजगी और आपकी इबादत का तज़किरा फरमाते हैं। ये आयात क़यामत तक आने वाली ख़वातीन के लिए मशअले राह हैं और इन आयात की रोशनी में ख़वातीन एक खूबसूरत, हसीन और जमील ज़िंदगी का गुलशन तरतीब दे सकती हैं। मेरे भाइयों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में अल्लाह की इबादत करती, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहती, रजू इलल्लाह करती रहती, अल्लाह के आस्ताने पर सर बसजूद हमेशा रहती। रिवायात के अंदर आता है कि आप इतनी इबादत करती थी कि आपके टखनों पर वर्म आ गया था और बाद रिवायात के अंदर आता है कि
कि इतने रुकू किए, इतने लंबे सुजूद किए कि जिसकी वजह से आपके पाँव में जरद पानी उतर आया था। अगर हम अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गौर करें तो हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात अल्लाह के आस्थाने पर इबादत करते रहते। कभी तवील सजदा हो रहा है, कभी रुकू लंबा हो रहा है, कभी क़याम लंबा हो रहा है। देखने वाले को ऐसा गुमान होता है कि सजदा कभी हो गई नहीं। अगर सजदा इतना तवील हो जाता है तो देखने वाले को यूं गुमान होता है कि सजदे से कभी सर नहीं उठाएंगे, और अगर क़याम लंबा हो जाता है तो देखने वाले को ऐसा महसूस होता है कि कभी रुकू में जाएंगे नहीं। और जब आपकी इबादत का हाल देखा हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने और अर्ज किया बारगाहे रिसालत में, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, आप इतनी लंबी इबादत करते, अल्लाह ने तो आपको इमाम उल अंबिया बनाया, आपको सरताज उल अंबिया बनाया, अगले पिछले गुनाह आपके सारे माफ कर दिए, उसके बावजूद इतना लंबा क़याम, उसके बावजूद इतना लंबा रुकू, उसके बावजूद इतने लंबे सजदे, इतनी इबादत के आपके पाँव मुबारक में वरम आ जाए। आपने फरमाया कि आयशा, जिस खुदा ने मेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए, जिसने मुझे कायनात में इतनी अजमतें दी, इतनी रफातें दी, इतनी शानों से मुझे नवाजा, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो बहरहाल इंसान की जिंदगी का मकसद भी यही है, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन और इंस को किसी और काम के लिए पैदा नहीं किया बल्कि मैंने उसे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर हम इस्लाम के अहकामात पर गौर करें तो कुर्बान जाइए कि बहुत थोड़ी चीजें इस्लाम ने अपने मानने वालों पर लागू की हैं। 24 घंटों में सिर्फ 5 नमाजें, और जनाब अपने माल का 2.5% हिस्सा अल्लाह के रास्ते में जो है वो आप ज़कात अदा करें। जिंदगी भर अगर हज की ताकत रखते हैं तो जिंदगी भर एक हज, पूरे साल में 11 महीने खाते रहो, कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ एक महीना अल्लाह के लिए तुम्हें जो है वो रोजा रखना पड़ेगा। तो आप अंदाजा फरमाइए, अगर अल्लाह ने हमें यह कह दिया होता कि 24 घंटे हर वक्त हर लम्हे तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम मेरे सामने सर्व सुजूद हो जाओ, तो हम क्या करते? हम थोड़ी सी इबादत करने से कतराते हैं। 2 मिनट के लिए फर्ज नमाज लंबी हो जाए तो हमें थकावट महसूस होने लग जाती है, 1 मिनट हम पर भारी बन जाता है। लेकिन दुनिया के कामों की अहमियत इतनी है कि काम के लिए शख्स को 8 घंटे भी मशीन के सामने खड़ा होना पड़े तो यह खड़ा होना इसे अपनी अपनी सआदत समझता है। क्यों? कि दुनिया की फौकियत उसके दिल में बैठ गई है, दुनिया की अहमियत है, अल्लाह की इबादत की अहमियत नहीं है कि जिसकी वजह से उस इबादत को अपने कंधों पर ये बहुत समझता है। तो बहरहाल अरस आपकी खिदमत में ये करना चाह रहा था कि जनाब मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इतनी इबादत करती कि अल्लाह ने मुआशरे के लोगों के दरमियान उन्हें एक ऐसा मकाम दे दिया था कि लोग उनकी इस इबादत की मिसालें पेश किया करते थे मुआशरे के अंदर। और एक औरत उनकी सीरत को पढ़ के और उससे बहुत सबक ले सकती है। आजकल ख्वातीन के अंदर बहुत सारी इस तरह की कमियां कोताहियां पाई जाती हैं और वो यही समझती हैं कि हमारा काम सिर्फ बच्चों की देखभाल है, घरों की सफाई और दीगर काम है, और
नमाजों के अंदर बहुत कोताही की जाती है, दीगर उमूर के अंदर अल्लाह की इबादत से बहुत दूरी है हमारी खवातीन के अंदर, और इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ घर का काम नहीं है, ना बच्चों की देखभाल है, वो जिम्मेदारी अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ अल्लाह की इबादत करना भी जरूरी है जिसके लिए हमें पैदा किया गया। हम जो दर्जा सानिया की जो चीजें थी, जो सेकंड स्टेप पे आने वाली चीजें थी, हमने उन्हें फर्स्ट स्टेप पे रख के जो है वो उन्हें फौकियत दी, और जो हमारा जिंदगी का जो मकसद था, निस्बुल ऐन था, उससे हम दूर हट गए। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के इंतखाब को, आपकी पाकी को यूं बयान करते हैं, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ। फरिश्तों ने कहा कि ऐ मरियम, अल्लाह ने तुझे मुंतखब कर लिया, तुझे खूब पाक किया, और सारी कायनात की, सारी दुनिया की औरतों पर तुझे मुंतखब फरमाया, तुझे फजीलत दे दी, तुझे सारी दुनिया की औरतों पर अजमत दे दी। तो देखिए अल्लाह का इंतखाब भी कैसा अजीब है। और फिर इतनी इबादत, या मरियम उकनुती ली रब्बी की वस्जुदी वरकई मारवा की आईन, ऐ मरियम अपने रब के लिए इताद गुजार हो जा, उसके सामने रुकू कर, सजदा कर, रुकू करने वालों के साथ तू रुकू कर। तो देखिए कैसे अमल दरामद किया। ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, इसी चीज को कुरान ने बयान किया, वज़कुर फिल किताबी मरियम, आप जिक्र कीजिए किताब में मरियम का, इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, कि जब वो मकान के मशरकी जानिब अपने घर वालों से इलादा हो गई थी, यह मकानन शर्किया मशरकी जानिब, इससे मुराद ये कौन सा हिस्सा है? इसमें जो उलमाए तफासीर है उनकी आरा मुख्तलिफ है। बाज कहते हैं कि जनाब मरियम अलैहिस्सलाम ये जो है वो अपनी खाला के घर चली गई थी, इसलिए कि अय्याम में हैज से गुजर रही थी, और यही इससे मुराद मकान शर्किया है। बाज कहते हैं कि ये खेतों वाली जमीन थी जो गैर आबाद थी और बैतुल मकदस से हट के थी, और वहां खेती को पानी देने के लिए वहां गई थी। बाज मुफस्सिरीन का कहना यह है कि ये इस मकाम पर बहुत सर्दी थी, तो ये धूप में चली गई थी वहां कंघी करने के लिए। तो बहरहाल जो भी मकाम था, कुरान कहता है फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबा, उन्होंने उनसे पर्दा कर लिया, वो लोगों से हट के अल्लाह की इबादत के अंदर मसरूफ रहती थी, किसी वजह से बाहर आती, उसके अलावा हुजरे से बाहर नहीं आती थी। فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيًّا, हमने उनकी तरफ फरिश्ता भेजा, فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيًّا, वो एक तंदुरुस्त आदमी की शक्ल में उनके सामने हाजिर हुआ। यहां रूह से मुराद जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। बहुत सारे मकामात पर आपको रूह के नाम से याद किया गया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, कुल नज़लहु रूहुल कुदुस। तो रूह के नाम से जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद किया गया कुरान मुकद्दस के अंदर। अब जब वो एक इंसानी शक्ल में, तंदुरुस्त आदमी की शक्ल में जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के सामने आके खड़े हो गए, तो वो कहने लगी قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا,
कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह में आती हूं अगर तू परहेजगार है। तो जब फरिश्ते ने आपकी घबराहट को देखा, आपकी इस बात को सुना, तो क्या कहा? قال انما انا رسول ربك, मैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूं, لأهب لك غلاما زكيا, ताकि तुझे एक फर्जंद और लड़का अता करो। अल्लाह अकबर। यहां भाइयों एक बात काबिले गौर है, वो बात ये है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ली अहब लकी गुलामन ज़किया, मैं तुझे लड़का अता करूं। तो लड़का जिब्रील ने नहीं देना था, देना तो अल्लाह ने था, तो वो अल्लाह के पैगाम को पहुंचा रहे थे कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूं और ताकि मैं तुझे बेटा अता करूं, यानी अल्लाह का पैगाम दिया जा रहा था, और मजाजन अपनी तरफ जो है वो उसका इशारा कर दिया, अपनी तरफ उसकी निस्बत कर दी। यहां बहुत सारे लोग जाहिल किस्म के लोग कहते हैं कि जब जिब्रील लड़का दे सकता है तो पीर साहब लड़का क्यों नहीं दे सकते। तो भाई देने वाली जात अल्लाह की है, वो तो मजाजन अपनी तरफ उसका इशारा कर रहे थे और उसका जवाब तो खुद ही दे दिया। अलामा बिन कसीर ने लिखा कि ली अहबा, इसकी एक दूसरी किरात ली यहबा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं ताकि अल्लाह तुझे बेटा अता करे। दूसरी किरात ली यहबा, ताकि अल्लाह तुझे बेटा अता करे। जब उन्होंने ये बात सुनी जनाब मरियम अलैहिस्सलाम ने, तो उन्हें हैरत हुई, फरते हैरत में कहने लगी, قالت ان يكونني غلام, ये कैसे हो सकता है, मेरे हाथ बेटा कैसे होगा, ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا, मुझे तो किसी बशर ने किसी इंसान ने छुआ तक नहीं है, और मैं बदचलन भी नहीं हूं, मैं तो जिनाकार भी नहीं हूं, मेरा किरदार तो शफाफ पानी की तरह साफ है, किसी बशर ने मुझे छुआ नहीं है, तो मेरे हां बच्चा क्यों कर होगा। तो फरिश्ते ने कहा, قال كذلك قال ربك هو علي هين, कहा कि इसी तरह, और तुम्हारा रब कहता है, आपके रब ने फरमाया कि इस तरह बेटा देना, ऐसे बेटा देना ये मुझ पर आसान है, ये मेरे लिए आसान है। तो यहां से बात मालूम होती है कि औलाद देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, वो चाहे किसी को बेटियां दे, यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ अज़्ज़कूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनाथा व यज़अलु मन यशाउ अक़ीमा, फरमाया कि वो चाहे किसी को बेटे दे, किसी को बेटियां दे दे, चाहे किसी को बेटियां और बेटे दे दे, और किसी को बे औलाद कर दे, और जनाब चाहे तो जनाब मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर खामद के और ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर बाप के कर दे, और ना चाहे तो अपने नबी जनाब शुआइब अलैहिस्सलाम को औलाद ना दे, यह उस पर है। वो चाहे तो किसी को इज्जत दे दे, वो चाहे तो किसी को जिल्लत दे दे, ये उसके इख्तियार में है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। अल्लाहु अकबर। आज मुआशरे में नजर दौड़ाए तो आपको मालूम होगा कि वो हजरत इंसान जिसे अल्लाह ने इतनी इज्जतें दी, वो अल्लाह के खूबसूरत दर को छोड़कर गैर के दर का सवाली हो गया। औलाद नहीं होती तो गैर के दर पे जाके जबी झुका के उससे मांगता है। लोगों हमें अंबिया की सीरत से यह बात मालूम होती है कि सारे नबी सारे पैगंबरों ने किससे मांगा, सिर्फ अल्लाह से मांगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत की वादियों से निकाल के दुनिया की इस बस्ती की तरफ मुंतकिल किया गया, ना यहां कोई अनीस ना जलीस, और बरसों माफी मांगते हुए गुजर गए और कहा कि मौला
मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, मुझे ढंग तू ही सिखा दे। और अल्लाह ने फरमाया कि ए आदम, इन अल्फाज के अंदर दुआ करो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिन अल-ख़ासिरीन। जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब हर तरफ से मुआशरे वालों के फतवे लगने लगे तो उन्होंने क्या कहा, फदअ रब्बहु वन्नी मग़रूबुन फंतसिर, अपने रब को पुकारा और कहा कि ए अल्लाह, ए मेरे सोने रब, मैं मग़रूब हो गया हूं, तू मेरी मदद फरमा। लोगों, आज हमारी जहनों के अंदर अल्लाह से मांगने की वो अहमियत खत्म हो गई। वो जो शान थी कि एक इंसान की जो अपने रब से मांगने का वो एक जो ढंग था, वो आज हम भूल गए। अल्लाहु अकबर। हजरत रिबाह कहते हैं कि मैं एक दफा किसी बादशाह के आस्ताने पे जा रहा था मांगने के लिए, तो जनाब ताऊस रहिमहुल्लाह ताला मुझे रस्ते में मिले और कहा कि कहाँ जाते हो। मैंने कहा कि अपनी हाजत बादशाह के दरबार में लेके जा रहा हूं। कहा कि उस शख्स के दरवाजे पे जा रही हो कि जिस शख्स के दरवाजे 24 घंटे बंद होते हैं, जिसके दरवाजे पर दरबान और मुहाफिज बैठे हुए हैं, उस जात के दर पे जाओ जिसके दरवाजे 24 घंटे खुले हुए होते हैं और कोई दरबान नहीं बैठा हुआ उनके उसके दरवाजे पर, और वो ऐसी जात है जिससे जितना मांगो उतनी वो खुश होती है और उससे ना मांगो तो वो नाराज होती है। हजरत सईद हलबी रहिमहुल्लाह ताला दमिश्क की मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे और अपने तलबा को हदीस का दर्स दे रहे थे। आपके पाँव में तकलीफ थी जिसकी वजह से आपने पाँव को फैलाया हुआ था। इतनी देर में वक्त का हाकिम आया, बड़ा जालिम था, जाबिर था, मुतकब्बर इंसान था, तकब्बर कूट कूट के बड़ा हुआ था और जुल्म करना उसे पसंद था। वो मस्जिद के अंदर आया और शेख सईद हलबी रहिमहुल्लाह ताला के पास खड़ा हो गया और अल्लाह वालों की ये शान होती है कि उनके दिलों के अंदर अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होता। उन्होंने अपने दिलों से सारी कायनात के खौफ के बुतों को निकाल दिया होता है, बिला किसी झिझक के, बिला किसी खौफ के। शेख सईद बैठे रहे और हदीस का इलम पढ़ाते रहे। तोलाबा ने जब देखा तो उन्हें यूं लगा कि अभी जल्लाद को हुक्म दे दिया जाएगा और हमारे उस्ताद के सर को तन से जुदा जो है वो कर दिया जाएगा। हजरत जिस तरह बैठे हुए थे बैठे रहे, हदीस का दरस सुनता रहा, चला गया। बाद में उसने एक बहुत बड़ी थैलियां जो है बहुत ज्यादा थैलियां भेजी जनाब सईद हलबी रहिमहुल्लाह ताला की खिदमत में, और वो पैगाम लेके आया आदमी और कहा कि हाकिम ने आपको सलाम दिया है और ये अशरफियां आपकी खिदमत में भेजी हैं। क्या खूबसूरत बात कही शेख सईद ने, क्या जबरदस्त बात कही जो लिखने के काबिल है और याद रखने के काबिल है और अपने सीने पर लिखने के काबिल है और उसे अपने जहन के अंदर और अपने हाफजे के अंदर महफूज रखना यह हमारी जिम्मेदारी जो है वो होनी चाहिए। कहा कि जो आदमी पाँव फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाया करता। मैंने तो तकलीफ की वजह से अपने पाँव फैलाए थे, अगर मैं हाथ मैंने फैलाने होते तो मैं अपने पाँव को ना फैलाता। कितनी जबरदस्त बात कही। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मांगो अल्लाह से मांगो, और रिवायत के अंदर आता है अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो एक अल्लाह से अपना तस्मा मांगो, एक रब से मांगो। वही ऐसा दर है जो तुम्हारी झोलियों को जो है वो भरने वाला है, वही जात है जो दुनिया के अंदर भी आपको रफा दे देगी, शान देगी और आखिरत के अंदर भी जो है वो आपको अजमतें देगी। तो बहरहाल قال كذلك, फरिश्ते ने कहा इसी तरह,
قال ربك هو علي هين, आपके रब ने कहा कि ये तो आसान है। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब यहया की खुशखबरी मिली अलैहिस्सलाम की, तो आपने भी हैरत के साथ यूं कहा था, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरे सर के बाल भी जो है वो सफेद हो गए हैं और मेरी हड्डियां जवाब दे गई हैं। तो यही कहा गया था, قال ربك, आपका रब चाहता है, कहता है इसी तरह होगा। और जब 90 साल सारा अलैहिस्सलाम को और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जनाब इसहाक की बशारत दी गई, तो उस वक्त भी उन्होंने हैरत का इजहार किया था, उस वक्त भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया गया। सो बहरहाल जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का मकसद क्या है, वाली न जालहू आयतन लिन्नास, ताकि हम उसे लोगों के लिए निशानी बना दे और अपनी तरफ से रहमत सरा पर रहमत बना दे। वकान अमरम मकदिया, वकान अमरम मकदिया, इस काम का हुक्म हो चुका है। तो इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा मेरे भाइयों क्या है कि जब इंसान को कोई भी हाजत पेश आए, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई उसकी जिंदगी के अंदर कोई मुश्किलात आ जाए, मसाइब आ जाए, वो बजाय किसी इंसान के दर पे जाने के, उसकी आस्ताने के दरवाजे को खटखटाने के, सारे दरों को छोड़कर एक दर पे आ जाए और अपने रब से अपनी हाजत को पेश करे। किसी दाना ने क्या खूबसूरत बात कही कि जो आदमी अपनी हाजत को लेकर किसी इंसान के दर पे जाता है, तो फरमाया कि उसने अपने आप को दूसरे इंसान के सामने गुलामी के लिए पेश कर दिया, वो ज़हनी तौर पर गुलाम हो जाता है। और यही तो आज मुसलमान कौम की पस्ती का सबब है कि वो दूसरों के दर पे जाकर उनसे भीख मांगते हैं, और इसी वजह से गुलामी की जंजीरों के अंदर वो जकड़े हुए हैं और सर उठाकर वो कभी बात नहीं कर सकते। जो कौमें अपने रब के आस्ताने पर आकर रब से मांगती हैं, उनके सर भी फख्र से बुलंद हुआ करते हैं और मुआशरे के अंदर, कायनात में, दुनिया की इस बस्ती में उनके सर हमेशा फख्र से बुलंद रहते हैं और सर उठाकर चलने के काबिल रहती हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने दर का सवाली बनाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।